आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इस बार नौकरानी की बेटी यानी ध्वनि की शादी जो है वो अभिमन्यु से हो चुकी है। जी हाँ, एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई दूल्हा जो है यहाँ पर जैसे अपना सहरा उठाता है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु होता है, और ये चीज देखकर भाई सभी घर वाले काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। हमारे कमरे में नाइफ लेकर आई थी, मारने की कोशिश कर रही थी, हमें बहुत डर लग रहा है अभिमन्यु जी। और सभी घर वाले इस शादी को मानने से साफ इनकार कर देते हैं, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोयल ही है जो इस शादी को बोलती है कि भाई ये पूरी रस्म रिवाज से हुई है और इस शादी को मैं मानती हूँ। और वो सभी घर वालों से भी जबरदस्ती करती है कि उन्हें ये शादी मान लेनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की शादी जो है अगर हमारी आंख नहीं खुलती ना सही टाइम पर तो तकिए की जगह पे हमारे दो टुकड़े हो जाते। कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ, प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज आप पुलिस को बुलाइए, कुछ तो कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। पूरे रस्म रिवाज के साथ हुई है। तो वहीं कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिला था कि भाई इन सभी खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि कोयल का हाथ है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पर कोयल ने ही अभिमन्यु को बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया था। उसे उसने जबरदस्ती बताया था कि भाई ध्वनि जो है कितनी बेचारी लड़की है। हेलो पुलिस स्टेशन, हम शर्मा हाउस से बात कर रहे हैं, वो हमारी जान को खतरा है, प्लीज जल्दी से आ जाइए, हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज। उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा है और अभिमन्यु को उसका साथ देना चाहिए, और इसी वजह से ना चाहते हुए भी अभिमन्यु जो है वो ध्वनि से शादी कर लेता है। और सभी घर वालों के सामने वो उस कहता है सभी से, वो मर जाते हैं अभिमन्यु जी, हम मर जाते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम है ना तुम्हारे साथ, सच में मर जाते हैं अभिमन्यु जी, हमें बहुत डर लग रहा है। कि मैं ध्वनि से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैंने उससे शादी की है। और सभी घर वालों से वो रिक्वेस्ट करता है कि वो ध्वनि को कुछ ना कहे। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई वेदांत जो है वो काफी ज्यादा नाराज है अभिमन्यु से, क्योंकि वो ध्वनि से प्यार करता था और इस बार अभिमन्यु ने ही उसके प्यार से शादी कर ली है। और ये बात वेदांत को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही और इस शादी को वो मानने से पूरी तरीके से इनकार कर देता है। तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं कि भाई कोयल जो है वो वेदांत को स्वरा के खिलाफ काफी बुरी तरीके से भड़काती है, उसके मन में नफरत पैदा कर रही है वो स्वरा को लेकर। और ठीक ऐसा ही होते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेदांत के मन में स्वरा को लेकर काफी ज्यादा नफरत बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन भाई हमारी स्वरा मैडम भी बिल्कुल कम नहीं है, इस बार उसने ठान लिया है कि वो वेदांत के मन में प्यार जगा कर रहेगी। और इसी के साथ एक नया प्रोमो सामने आया है जहां पर हम देखेंगे भाई ध्वनि ने एक नई प्लानिंग की है स्वरा को फंसाने की। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ध्वनि ने सभी घर वालों को कहा है कि स्वरा ने उसे मारने की कोशिश की है, और ऐसा ही ठीक सीसीटीवी फुटेज में भी देखने को मिल रहा है। और इस बार स्वरा को पुलिस वाले अरेस्ट कर ले जाते हैं। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार स्वरा बच पाएगी या नहीं।